नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 317 आईपीसी सेक्शन। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन ऑफ 317। 317 क्या कहती है आईपीसी की? एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट, भी किसी से अपना संपर्क तोड़ लेना या किसी को परित्याग कर देना, और अबेंडनमेंट किसी को छोड़ देना या किसी ऐसे स्थान पे छोड़ देना आरक्षित। ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर, जो अभी 12 साल की उसकी एज अभी नहीं हुई है, अभी अंडर 12 ईयर ही है, चाहे उसको कोई पेरेंट्स है, बाय पेरेंट्स और कोई पर्सन है हैविंग केयर ऑफ इट, जो उसकी केयर कर रहा है, कोई और अदर पर्सन है। Whoever being the father of mother of a child under the age of 12 year or having the care of such child shall expose or leave, उसको छोड़ दे या उससे अपना संपर्क तोड़ लें, wholly abandon in such child। तो जो ऐसे जो कोई माँ बाप हैं या कोई और जो कोई है पर्सन जो किसी बच्चे की देख रेख कर रहा है, तो अभी बच्चा अभी 12 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसे ऐसे कोई स्थान में छोड़ दे और उससे अपना संपर्क तोड़ ले, तो उसको क्या सजा होगी? इस सेक्शन के दिन बताया गया है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे से, कभी कभार क्या होता है ना, कई केसों में कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या किसी किन्हीं को पैदा होते हुए किसी बीमारी हो जाती है, वो सारी उम्र जैसे ऐसे ही रहते हैं, तो कई माँ बाप होते हैं ना वो ऐसा सोचते हो कि इसे छोड़ना ही अच्छा है, सारी उम्र क्या इसका बोझ उठाएंगे, इसको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ आते हैं, चाहे तो अपने आप इसकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे कोई इसे अपने आप ले जाएगा या कोई अनाथ आश्रम वाले ले जाएंगे। अभी वो 12 साल का भी नहीं हुआ है, और जहाँ कोई और ऐसा व्यक्ति है जो इसकी देख रेख करने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो उसे ऐसे स्थान पर छोड़ा जाता है, अभी उसकी देखभाल उसकी ना करनी पड़े और कोई अपने आप उसे ले जाए जा उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे इन हालातों में तो ऐसे माँ बाप को और ऐसे पर्सन को है ना वो 7 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है और विद फाइन भी हो सकता है। अगर एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस एक्शन इज नॉट इंटेंड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर। अगर इन हालातों में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, एज द केस मे बी इफ द चाइल्ड डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। इस ऐसे हालातों में किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ना उन पर ट्रायल नहीं चलेगा, वो फिर 302 है ना या 299 कल्पेबल होमिसाइड, तो उस सेक्शन में ना उनका ट्रायल चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भी 317 क्या कहना चाहती है। भी कई माँ बाप या कोई ऐसे कोई पर्सन है जिसको बच्चे की देख रेख करने के लिए उसको जिम्मेवारी दी गई है और वो उसे अच्छे से नहीं निभाता और कोई ऐसे स्थान पर छोड़ जाता है उसे मृत्यु होने के लिए या उसे अपने से बल्ला छुड़वाने के लिए, तो उनको 7 ईयर तक की पनिशमेंट होगी और विद फाइन होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।